दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को अहमदाबाद कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। अहमदाबाद कोर्ट ने एलजी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इम्यूनिटी का जिक्र करते हुए क्रिमिनल ट्रायल से छूट मांगी थी। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर जोरदार हमला बोला। ने इनकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और ने कहा कि एलजी को ऐसी कोई इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती है। इससे कई रास्ते खुलते हैं। पहली बात, ये जो एलजी साहब रोज रोज ऑर्डर्स देके डिपार्टमेंट से काम करा रहे हैं और कई काम इसके अंदर गलत भी हो रहे हैं, उसके लिए भी एलजी साहब के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। आगे सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के पास के बारे में बताया। ट्रायल तो 22 साल डिले करा रखी है और अभी आप और डिले कराना चाहते हैं कि जब तक मैं एलजी रहूं तो भी ट्रायल ना चले। अनलॉफुल असेंबली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, बात ध्यान रखिएगा। अनलॉफुल असेंबली के अंदर कानून ये कहता है कि अनलॉफुल असेंबली के अंदर जितने लोग शामिल होते हैं, अगर वो किसी का हत्या भी कर दे तो जितने लोग उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा हैं उन सब पे हत्या का मुकदमा चलता है। तो एलजी साहब ये नहीं कह सकते कि जो डंडा मारने वाला है वो कोई और है, नहीं, आप उस अनलॉफुल असेंबली के हिस्सा हैं। बता दें, सक्सेना पे आरोप है कि उन्होंने 2002 में अहमदाबाद में समरावती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर हमला किया था। सो वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।